हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर यूट्यूब चैनल। नाउ प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, ऑपरेशन ऑन अ रैशनल नंबर, जहां पर मैंने आप लोगों को समझाया था कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एंड मैंने प्रैक्टिस सेट 22 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर। हमें क्या करना है, जैसे नॉर्मली हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटीजर्स को, होल नंबर्स को, सिमिलरली हमें रैशनल नंबर्स में भी क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो रैशनल नंबर्स कब सब्ट्रैक्ट होते हैं, जब रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर क्या होते हैं, इक्वल होते। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन में फर्स्ट वाला जो रैशनल नंबर है और सेकेंड वाला जो रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रैशनल नंबर्स को ऐड किया था, तो वहां पर भी हमने क्या किया था, रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल क्रिएट किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है इसे इक्वल बनाएंगे। बट इक्वल बनाएंगे कैसे, तो मैंने कहा था आपको कि पहले वाले रैशनल नंबर में दूसरा वाला, ये जो दूसरा रैशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर में 7 है, इससे हम क्या करेंगे, पहले वाले रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। देन ये माइनस का साइन एज इट इज, माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। देन सेकेंड वाला जो रैशनल नंबर है, इट मीन्स ये, इसमें हम पहले वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है, 11, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगेन यहाँ पे आपको इक्वालिटी का साइन लगाते जाना है। देन 7 जा होता है 49 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 7 बिकम 77, माइनस साइन, अगेन 7 मल्टीप्लाई बाय 11 बिकम 77 एंड न्यूमरेटर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 11 बिकम 33। नाउ इसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर अब इक्वल हो गया दोनों रैशनल नंबर का, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 49 माइनस 33 अपॉन, अब इसको आपको क्या करना है, एक ही बार लिखना है 77। अब 49 में से 33 सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 6, 4 में से 3 चला जाएगा तो आंसर आएगा 1, तो 16 अपॉन 77। यहाँ पे एक और नया रैशनल नंबर मिल गया। नाउ इसके बाद ये जो है रैशनल नंबर, ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, फर्दर रिड्यूस नहीं होगा मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल में नहीं आते, हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 77। ओके, नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 13 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 40। अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि अगर कोई भी एक रैशनल नंबर रिड्यूस हो रहा हो तो हम उसे रिड्यूस भी कर सकते, तो 13 अपॉन 36 तो किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो इसको हमने एज इट इज रख दिया माइनस, बट 2 अपॉन 40 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, सो 2 वन ज 2 एंड 2 20 ज 40। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस कर सकते, मतलब 20 अपॉन 40 को मैं 1 अपॉन 20 भी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया नाउ विच इज इक्वल टू। अब इसके बाद मैंने क्या बोला है कि हमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले रैशनल नंबर में दूसरे वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दूसरे वाले रैशनल नंबर में पहले वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। नाउ 13 टू जा हो जाएगा 260, देन इसके बाद 36 टू जा होता है, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 0 तो एज इट इज आएगा, 6 टू जा 12, 1 कैरी, 3 टू जा 6 प्लस 1 7, 720 आ गया, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 36 बिकम 36, देन 20 मल्टीप्लाई बाय 36 बिकम अगेन क्या हो जाएगा 720, नाउ विच इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो डिनोमिनेटर को हमें सिर्फ एक बार लिखना है और न्यूमरेटर में जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑपरेशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन दिया है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 260 माइनस 36 क्या हो जाएगा, देखो 10 में से 6 चला गया तो यहाँ आ गया 4, 5 में से 3 चला गया तो यहाँ आ गया 2 एंड देन ये 2 एज इट इज डिवाइड बाय 720। अब हमें इससे क्या करना होगा, फर्दर रिड्यूस करना होगा, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसे सेम टेबल में आते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इसे और छोटा कर देंगे,
तो हम क्या करेंगे, इसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेक करेंगे किसे सेम टेबल में आता है या नहीं, मतलब सेम टेबल से किसी से डिवाइड होता है या नहीं किसी नंबर से। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो 8 से डिवाइड होता है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। देखो 8 के टेबल में हम इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो फर्स्ट ये जो 2 डिजिट है हम चेक करेंगे, ये 22 8 के टेबल में आता है, तो 22 8 के टेबल में नहीं आता। देखो 8, तो 8 के टेबल में 22 तो नहीं आता, बट 22 से छोटा नंबर 16 आता है। कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो हम 2 लिखेंगे। ठीक है, 22 में से हमने 16 लिया है, तो 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। 6 और ये जो 4 है ये क्या बन गया, 64 बन गया। 8 के टेबल में 64 आता है 8 टाइम्स में, तो यहाँ पे ये जो 224 है ये 8 से डिवाइड होकर 28 आ गया। सिमिलरली 720 को भी हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो 8 9 सा होता है 72, तो 9 टाइम्स में 72 चला गया, 0 एज इट इज। तो फर्दर यहाँ पे कौन सा एक रैशनल नंबर आया, 28/90। अब हम चेक करेंगे 28 और 90 किसी और नंबर से डिवाइड होता है, सो यस 28 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 1 2, 2 4 8। सिमिलरली 90 इज अगेन डिविजिबल बाय 2। देखो 2 के टेबल में 9 नहीं आता बट 8 आता है 4 टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में हमने 8 लिख दिया। 1 अभी भी यहाँ पे रिमेनिंग था, 1 और ये 0, 10 बन गया, तो 2 5 10। तो इसके बाद एक न्यू रैशनल नंबर हमें मिला, वो क्या मिला, 14/45। तो 14 एंड 45 अब फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि 14 एंड 45 जो है एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते। 14 जो है वो 2 से डिवाइड होगा बट 45 तो नहीं होगा ना, 45 5 से होगा, 3 से होगा, लेकिन 14 तो 3 से नहीं होगा। तो जब कोई भी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होते तब आप उसे फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, और जब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, वही जो रैशनल नंबर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा फाइनल आंसर है 14/45। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है 1 and 2/3 -3 and 5/6। अब ये क्या है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे कन्वर्ट करना होगा हमें इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर एक फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है देन डिनोमिनेटर। अब इसे कैसे कन्वर्ट करते, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, तो 1 multiply by 3 प्लस न्यूमरेटर एंड डिवाइड बाय अगेन डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, 3 multiply by 6 +5/6। अब इसके बाद 1 3 is 3, 3 plus 2 5/3 -3 6 is 18, 18 plus 5 become 23, 23/6। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए मैंने कहा था कि पहले वाले रैशनल नंबर में दूसरे वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो 3 और 6 में यहाँ पे डिनोमिनेटर जो ये फर्स्ट वाले रैशनल नंबर का 3 है, इसको हम 6 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। लेकिन जब किसी भी फ्रैक्शन का रैशनल नंबर का रूल क्या होता है कि जब हम किसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 5 multiply by 2 upon 3 multiply by 2 -23/6, ये हो जाएगा 6। देन विच इज इक्वल टू 5 2 10, 3 2 6 -23/6। नाउ डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो न्यूमिरेटर में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन दिया है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 10 -23/6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 में, हमें 10 में से 23 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या है, स्मॉलर नंबर है, ये बिगर नंबर है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, सो प्लस माइनस बिकम माइनस, तो 10 को 23 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 13। नाउ इसके बाद 23 बिगर नंबर है, 23 हैव अ माइनस साइन, दैट्स व्हाई -13/6, तो आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर -13/6। नाउ यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है 4 and 1/2 -3 and 1/3, तो ये भी हमें क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पे जो नंबर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, न्यूमिरेटर ऐड करेंगे, डिवाइड बाय अगेन डिनोमिनेटर। ये जो नंबर है इसे हम बोलते हैं इंटीजर, तो इंटीजर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से, देन न्यूमिरेटर ऐड होगा, डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर।
सो 4 2 8 प्लस 1 9 अपॉन 2 माइनस 3 3 9 प्लस 1 10 अपॉन 3। नाउ इसके बाद अब यहाँ पे 2 को 3 भी नहीं बना सकते, 3 को 2 भी नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे, पहले वाले रैशनल नंबर में दूसरे वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिमिलरली दूसरे वाले रैशनल नंबर में पहले वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 3 27, 3 2 6 माइनस 10 2 20 अपॉन 3 2 6, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो 27 माइनस 20 अपॉन 6 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 6। 7 अपॉन 6 क्या हो गया, फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, हमें क्या करना है, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो रैशनल नंबर में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है एंड इवन फ्रैक्शंस में भी, फ्रैक्शन को भी हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पर क्या है न्यूमरेटर 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे, डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे। नाउ इसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम टेबल में आता है, ठीक है, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 3 2 6 हो जाएगा एंड 11 5 55, तो आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर 6 अपॉन 55। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 4 कर देंगे एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 15 लिख देंगे। नाउ इसके बाद चेक करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर सेम टेबल में आता है या नहीं, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो 12 एंड 15 बोथ आर डिविजिबल बाय दी नंबर 3, सो 3 4 12 3 5 15, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने कैंसिल कर दिया, अब यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 4 4 16, 5 5 25, तो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16 अपॉन 25। नाउ थर्ड क्वेश्चन है -8 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -8 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ इसके बाद देखो यहाँ 3 1 3 3 3 9, ये डिवाइड हो रहा था तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। नाउ -8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करके 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 9 को कैंसिल करके 3 लिखा है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम -8 एंड 3 4 12। अब ये फर्दर रिड्यूस होगा ना, आप इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, ठीक है, देखो यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, यहाँ पे कैंसिल करती तो 4 1 4 4 2 8 ऐसे हो जाता, देन इसके बाद आप क्या करते -2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम -2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 3, तो आंसर आ जाता -2 अपॉन 3। नाउ और अगर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था ये, इसको भी आप कैंसिल करते तो भी आपको ये आंसर मिलता, तो आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। नाउ फोर्थ वाला है यहाँ पे देखो 0 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4, तो हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर बिकम 0, 6 4 20 4, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है 0 है, 0 है ना, तो न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर भी आ जाएगा 0। और मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।